दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब हम किसी ऐसी जमीन में प्लाट खरीदते हैं या कोई ऐसी जमीन खरीदते हैं जिसमें दो या तीन या एक से अधिक साझेदार हैं, माने सह खातेदार हैं, और वो जमीन संक्रमणीय भूमिधर है और खेती की जमीन है, लेकिन उसमें हम कोई प्लाट खरीदते हैं 100 गज का, 50 गज का, 200 गज का, और वहां निर्माण करने जाते हैं, तो जैसे ही हम निर्माण करने जाते हैं वहां झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा झगड़ा प्रारंभ हो जाता है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेता और बात मुकदमेबाजी तक आ जाती है और न्यायालय में मामला चालू हो जाता है। तो दोस्तों आज चर्चा इसी बात पर करते हैं कि आप किस तरह का प्लाट या किस तरह की जमीन खरीदने के पहले ऐसी सावधानी बरतें कि आपका प्लाट का कोई झगड़ा ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे आपको समस्या खड़ी हो। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, जो समाज में जो माहौल चल रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग में, उसमें इस समय ये हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स और कई सारी समस्याएं से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि किसान की जमीन का एक एग्रीमेंट करा लेते हैं, नॉर्मली एग्रीमेंट करा लेते हैं, और उस नॉर्मल एग्रीमेंट में उस किसान को थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। देखो इससे नुकसान किसका हो रहा है इस बात को समझना है, और थोड़ा बहुत पैसा दे करके वो सीधे सीधे वहां की प्लाटिंग शुरू कर देते हैं। उसमें करते क्या है, उस खेत में चारों तरफ से वो टेम्परेरी बाड़ लगा देते हैं, माने टेम्परेरी बाउंड्री बना देते हैं, उसको जब चाहो निकाल लीजिए, बीच में वो एक मैप जैसा बना देंगे कि ये रास्ता है इतने फीट का, ये इधर रोड गया है और ये प्लाट है। अभी उसका कोई नक्शा पास नहीं है कहीं से भी, और ना ही उस लैंड का बंटवारा हुआ है, दो या तीन पार्टनर हैं और आपने जाकर के उसमें कोई एक बैनामा कराया, और जब आप बैनामा कराते हैं तो बैनामे में आप चतुर्दिक सीमाएं माने चौहद्दी लिखते हैं, और वो जो चौहद्दी होगी वो चौहद्दी आपके उस व्यक्तिगत प्लाट की होगी, ना कि उस पूरे खेत की, क्योंकि वो जो आराजी नंबर होगा, जो गाटा नंबर होगा, जिस गाटा नंबर में आप प्लाट ले रहे हैं, तो नियमतः आप उस खाते में सह खातेदार बन रहे हैं, ना कि आपका कोई निश्चित प्लाट। आप मालिक तो हैं लेकिन अभी आपका बंटवारा नहीं हुआ, डिमार्केशन नहीं हुआ कि आपका किस जगह प्लाट है, कंफर्म नहीं है, और जैसे ही आप निर्माण करने जाते हैं तो इस समय रूरल एरिया में, अर्ध शहरी नगर क्षेत्रों में यही प्रक्रिया चल रही है, और ये बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में आ रहे हैं। उसमें जो दूसरे सह खातेदार हैं वो एक सिविल सूट लाते हैं परमानेंट इंजंक्शन का, और साथ ही साथ कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का, माने बैनामा निरस्तीकरण का, कि ये जो बैनामा इन्होंने कराया है ये बैनामा बिना बंटवारा कराए करा लिया है, और इस बैनामे में बिना बंटवारा कराए ये चौहद्दी इन्होंने ओपन कर दी है। ये चौहद्दी कहां से आई इनके पास, और अगर ये चौहद्दी इनके पास नहीं थी तो ये जो बैनामा हुआ है ये फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, माने बनाया गया है और एक साक्ष्य बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए इनका ये बैनामा निरस्त कर दिया जाए, और निरस्त करने के साथ ही इस पर स्थायी निषेधाज्ञा दे दी जाए, माने स्टे दे दिया जाए, इनको रोक दिया जाए कि हमारे कब्जे और दखल में ये कोई इंटरफियर ना करें, कोई माने हस्तक्षेप ना करें। तो दोस्तों अब आपने पैसा भी लगा दिया, जमीन भी खरीद ली, लेकिन आप वहां पर कब्जा नहीं कर पा रहे, ना ही कुछ बनाए पा रहे, आप उसमें हिस्सेदार हो गए हैं। अब हिस्सेदार होने के बाद या तो आप उसका बंटवारा कराने के लिए तहसील में एक प्रार्थना पत्र दें बंटवारे का, तो जब बंटवारे का प्रार्थना पत्र देंगे, चूंकि आपका बहुत छोटा एरिया होगा खेत, वो बहुत बड़ा होगा आराजी नंबर, तो उसमें ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको वो जगह कहां मिलेगी, ली तो आपने दूसरी जगह थी, आपको चौहद्दी दी गई थी कि ये प्लाट नंबर आपका है, ये प्लाट आपका है, लेकिन जब आप उस जगह को पजेशन में लेने गए तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो जगह आपको कहां मिलेगी। तो दोस्तों इस समस्या से बचने के लिए जब भी आप कोई जमीन लेने जाएं तो सबसे पहले उस एजेंट के जो आपको जगह दे रहा है या वो मालिक जिस मालिक से आप जगह खरीद रहे हैं, पेपर्स देखें कि वो इंडिविजुअल उस जगह का मालिक है भी या उसके और भी साझेदार हैं, उन लोगों का आपस में बंटवारा हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर उसका बंटवारा सरकारी नहीं हुआ है
तो आप उस जगह पर जमीन न खरीदें। ये व्यक्तिगत मेरी राय है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई लैंड लेने जा रहे हैं, उसमें 6 खातेदार हैं, 6 लोगों का कंबाइंड प्लाट है वो, तो आप 6 लोगों से वो खरीद लेते हैं तो आप उसके सिंगल ऑनर हो गए, आपका वही गाटा नंबर है, वही खाता नंबर है। तो वो स्पेसिफिक एरिया मैप में, नक्शे में जहां पर भी है वहां आप पोजीशन लेने के हकदार हैं, आपका ही पोजीशन माना जाएगा। प्रजुम्पशन यही होता है कि अगर आपके नाम कोई संक्रमणी भूमिदर है, भूमि है, तो आप ही उस लैंड के काबिज होंगे और स्वामी होंगे। तो जब आप काबिज हैं, अगर वो थोड़ी बहुत इधर उधर है, तो आप एक चार्टबंदी का मुकदमा लगा करके उस जगह को क्लियर करा सकते हैं, पूरा करा सकते हैं। जैसे मौके पर आपने 4 बीघे कोई जमीन खरीदी है और मौके पर वो 3.5 बीघा ही है या 3 बीघा है, कोई 1 बीघे जमीन पर दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हैं, तो यहां पर उसको इलीगल इनक्रोचमेंट या इलीगल कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। आप चार्टबंदी का एक मुकदमा डालें और उसमें कच्ची पैमाइश के बाद, इस संबंध में वीडियो भी है चैनल पर, उसको देख लीजिए। कच्ची पैमाइश के बाद आपकी जगह कंफर्म कर दी जाएगी कि ये आपका पूरा प्लाट है। लेकिन अगर कहीं कोई भूमाफिया, कोई प्रॉपर्टी डीलर लालच में आपको सस्ती जमीन दे रहा है और इस तरीके का मामला है, आप उसको कतई न लें। आप लेते हैं तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा, आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, आपका पैसा भी चला जाएगा, आपको पोजीशन में नहीं मिलेगा। और जब कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का और परमानेंट इंजंक्शन का मुकदमा आएगा आपके खिलाफ, तो उसमें उनको एक ग्राउंड बहुत अच्छा मिलेगा कि साहब ये जमीन तो इनको जो इन्होंने खरीदी है, इसका इनको कब्जा ही नहीं कभी मिला था। और कब्जा न मिलना ये रजिस्ट्री का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि विक्रय का एक आवश्यक तत्व है कब्जे का परिदान कराया जाना। आपको पैसा आपने दिया है या पैसा देने का वचन दिया है, बिना पैसा दिए भी बैनामा हो सकता है, उसमें ये हो जाता है कि इतना इतना पैसा मैं फला डेट को उनको दे दूंगा, बैनामा आ जाइए हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कब्जा आपको नहीं मिल रहा है तो ये आपके उस बैनामे में सबसे बड़ा दोष हो सकता है, या गलत चतुर्दिक सीमाएं आपने अंकित की हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप लेना भी चाह रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप उस पूरे गाटा नंबर की, जो बहुत बड़ा एरिया है, उसकी चतुर्दिक सीमाएं लिखिए, क्योंकि आपका भी कंफर्म नहीं है कि इसके किस पार्ट में आपको मिलेगा। और एक और बात है, जैसे मान लेते हैं आपने वहां मकान बना के खड़ा कर दिया, अब कोई व्यक्ति अगर उसका सरकारी बंटवारा कराएगा, तो सरकारी बंटवारा केवल लैंड पर ही नहीं होता है, उस पर जो आस्तियां हैं उनका भी होता है। उसमें जो मकान बन गए उनकी कीमत लगा दी जाएगी, तो हो सकता है आपको आपका मकान भी उतना तोड़ करके उनको पाट दिया जाए या आपसे पैसा दिलाया जाए। तो दोस्तों सावधान रहें, मैं रोज कोर्ट में यही केस देखता हूं। आप उन लोगों के बहकावे में ना आए, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो केवल पैसा कमाने के लिए किसी आदमी को हायर किया, उसकी जमीन बेचना चालू कर दिया, और बाद में आप लोग अपना देखो, वो तो निकल गए पैसा लेकर के। और जो व्यक्ति आपसे बातचीत करेगा, जो व्यक्ति बेच रहा है, उसमें भूमाफिया है, उस व्यक्ति का कहीं ना तो नाम है बैनामे में, ना आप लीगली उसको फंसा सकते हैं, वो तो पैसा लेकर के निकल गया। जो किसान है जिससे आपने खरीदी है, उसको भी बेनिफिट नहीं, उसको तो उतना ही पैसा मिलेगा जितने उसने तय किया था, प्रॉफिट वो ले गया सारा, और कहीं लीगली वो बाउंड भी नहीं है कि आपका पैसा वापस करे या जगह दिलाए। तो दोस्तों ऐसी जगह लेते समय बहुत सावधानी बरतें, जो बात मैंने बताई है इस पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।